एक मिनट एक मिनट अरे वो आवाज बोलो चलो गुड इवनिंग एनर्जी फिर आ गया स्वागत है आपका नहीं हम आपका स्वागत कर रहे हैं हम तो यहाँ से कब से दोपहर से हम लोग आपका स्वागत है आप सबका स्वागत है पूछिए बताइए जगह क्या है और क्यों शामिल हुए हैं आप यहाँ जगह जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही आलीशान मकान है जो अनिल दास जो मैं खरीदना चाहते लेकिन इस वक्त नहीं ले पा रहे नहीं ये सेट है एक नए शो का जो शुरू होने वाला है कुछ ही दिनों में कलर्स इन्फिनिटी जो एक चैनल है कलर्स की कंटिन्यूएशन में शो का नाम है वोक BFFs BFFs हिंदी में बोला जाए तो बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर तो आई कुडंट थिंक ऑफ अ बेटर पर्सन टू कम ऑन द शो बिकॉज ही हैज ऑलवेज बीन अ फ्रेंड टू मी इवन दो ही इज माई अंकल पर हमारा रिश्ता चाचा भतीजा से थोड़ा आगे रहा है थोड़ा अलग रहा है थोड़ा फ्रेंड ही रहा है एंड ही इज यंगर देन मी तो फ्रेंड ही हो सकते हैं इसीलिए हम आए हैं अनिल जी आप करस के साथ और वाइकॉम के साथ आप काफी जुड़ गए हैं चौपीस के बाद अब लगातार आप चौपीस आप अखबार के सिर्फ हेडलाइन पढ़ते हो ना आप कभी अंदर भी पढ़ा करो वो मजाक ऐसे सिली सवाल का क्या जवाब दो मतलब ये मतलब क्या अनबन चल सकती है हमारे बीच में आप मीडिया हो आपको रिस्पॉन्सिबल सवाल पूछने चाहिए हमेशा सो यू थिंक वी कैन हैव एनी मिसअंडरस्टैंडिंग वी विल बी सिटिंग अराउंड द शो यू आर द पीपल दैट स्प्रेड द करेक्ट मैसेज सो प्लीज रीड द आर्टिकल इट्स इन अ फिल्म दे सेड इन द फिल्म वी हैव अ टिप तो अनिल एंड अर्जुन एट वॉर फॉर मुबारक तो अगर आप आर्टिकल पढ़ेंगे जो लोगों को पता होना चाहिए कि आपने आर्टिकल नहीं पढ़ा इसीलिए कंफ्यूजन होगी हमारा कोई टिप नहीं परसेप्शन जाता है ना तो वो ये नहीं लोगों का परसेप्शन बिल्कुल ऐसा नहीं कि हमारे बीच में झगड़ा चल रहा है वरना हम आज इधर नहीं होते सर चलिए जब शो देखेंगे तो पता चलेगा आई डोंट वांट टू रियली डिस्क्लोज बट इट्स अ मजेदार शो फन शो एंड यू विल नॉट सी अस लाइक चाचा भतीजा यू विल सी अस लाइक फ्रेंड्स हैंगिंग एंड हैविंग कॉन्वर्सेशन एंड आपको कुछ चीजें पता लगेंगी पर आप एपिसोड देखेंगे तो वो मजा आएगा देखने जी That would have to be with Sona Malriya. But with Sona Malriya, you would have been. No, with all of us. With all of us. What she means is with all the Kapoor. Yeah. I think it'll be a I don't want to be part of that reality show. I'm very happy doing Khatron Ke Khiladi if I have to do TV. That's it. मैं फिर भी नहीं आई डोंट वॉन्ट टू पुट माई लाइफ आउट देयर ऑन नहीं ये मैं सबके सामने कह सकता हूँ मैं सिर्फ खतरों के खिलाड़ी करना चाहता हूँ और कुछ नहीं अनिल सर क्योंकि शो का नाम ही BFF है तो अर्जुन आपसे कितने फ्रेंडली हैं कितने सीक्रेट्स को आपसे शेयर करते हैं क्या गर्लफ्रेंड हो चाहे पर्सनल लाइफ की बस आपको यही जानना है खुशी क्या है कि वी आर फ्रेंड्स ऑफ कोर्स अर्जुन ने हर्ष के साथ भी सोना लिया सबके साथ एक किस्म का एक रवायत है सबके साथ एक दोस्ती है मगर ऑब्वियस देयर इज अ सर्टेन क्या बोलते हैं एक बाउंड्री है राइट बाउंड्री तो वो बाउंड्री जरूर है वेरी फ्रेंडली बट ऑल चिल्ड्रन विच आई कैन वेरी प्राउडली से ऑल ऑफ देम वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल मतलब ये यार अब तुम लोग हद कर रहे हो यार अब मतलब मैं आपसे ये सवाल पूछूं तो क्या क्या जवाब दोगे आप अपने मोर ऑर लेस आई एम वेरी क्लोज टू माई फादर एंड दैट इज रिमेन फॉर मेनी मेनी ईयर्स आई एम वेरी वेरी क्लोज टू हिम फॉर मी दैट रिलेशनशिप्स आर डिफरेंट अलग तरह के ही इज माई फादर एंड आई हैव अ फादर सन इक्वेशन विद हिम जैसे मैंने कहा व्हेन दे आस्क्ड मी अबाउट द शो आई फेल्ट आई वांटेड टू कम विद हिम बिकॉज आई हैव अ मोर ऑफ अ फ्रेंड्स वाला इक्वेशन विद हिम एंड इट्स जेन्युइनली विद द केस आप सब नहीं जानते हो ये मुझे चाचू बुलाते हैं मैं इनको चाचू बुलाऊँ उसके पहले वो मुझे चाचू बुलाते हैं तो हमने वो नोक झोंक सालों से चलती आ रही है अलग रिलेशनशिप है अलग मायने हैं मेरी जिंदगी में उस रिलेशनशिप के दोनों के बट आई कैन नेवर कंपेयर इट्स लाइक राइट आर्म बेटर है कि लेफ्ट आर्म बेटर है
दोनों जरूरी है। अनिल जी, पीवीटी सीन में ना न्यू लुक, यू बिलीव टेक अ सिक नाउ इन अ फिल्म? यस, फॉर द फर्स्ट टाइम। यस, एक यस, दिस दोबारा काम कर रहा हूं। यस अर्जुन, हाउ वाज द शूट फॉर हाफ गर्लफ्रेंड? मतलब काफी दिनों बाद जी आप एक मतलब शूट खत्म करने के बाद वापस जी जी मैं साउथ अफ्रीका में था, केप टाउन में शूटिंग कर रहा था। बहुत ही मजा आया, बहुत ही डिफिकल्ट आउटडोर था, हम विंटर में शूटिंग कर रहे थे साउथ अफ्रीका में। उसके बावजूद इट टर्नड आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़, बिकॉज बहुत ही अच्छी जगह थी और हमारी टीम एकजुट होकर काम कर रही थी। सो आई थिंक वी आर 70% डन विद द फिल्म। काफ़ी हद तक फिल्म खत्म हो चुकी है। इनफैक्ट मैं अगले कुछ दिनों में लास्ट 20 दिन की शूटिंग करने न्यूयॉर्क जा रहा हूँ और फिर बॉम्बे में जो थोड़ा बहुत काम बचेगा। तो काम बहुत ही अच्छी तरह चल रहा है। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू पुट द फिल्म आउट देयर। मैं वेट नहीं कर सकता मई आने का। अनफॉर्चुनेटली पिक्चर 6-8 महीने बाद लगेगी, बट इट्स बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस वर्किंग विद मोहित सत्ता एंड द एंटायर टीम। काफी लोग अभी 12 एपिसोड बाकी हैं, 12 एपिसोड हो चुके हैं। सैटरडे संडे को जो 2 एपिसोड आने वाले हैं मेरे फेवरेट, और मैं चाहूंगा कि आप लोग सब देखें। उसमें शबाना और रोनित रॉय का कैमियो है, दोनों ने बहुत कमाल का काम किया। देखो आप सवाल रेज कर लेते हो जी। हाँ जी, मैं वन सेकंड हाँ जी 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 जी। चलिए अब आप सब सुनिए, ये सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा। वैसे आई डोंट लाइक टू रिएक्ट टू रिडिकुलस कॉन्वर्सेशन। जिस जगह पे ये स्टोरी आई है, नॉर्मली कोई उसे सीरियसली नहीं लेता, बट मैं एक प्रोड्यूसर का बेटा हूँ। जब वो आउटडोर चल रहा था जून के महीने में, माय ग्रैंड मदर वो सीरियसली अनवेल, जैसे आप सब आए थे फोटो खींचने जब उनका देहांत हुआ। आप सब जानते हैं कि उनकी मृत्यु हो गई उस समय जब मैं आउटडोर शूट कर रहा था। अगर उस समय मैं 1 लाख रुपए का बिल बना रहा था दारू पीते हुए, तो मुझ में कुछ कमी होगी जिस वजह से मुझे नौकरी नहीं मिलनी चाहिए इसके आगे, ये फिल्म के आगे बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। आई वॉज ट्रैवलिंग बैक एंड फोर्थ एवरी डे फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली, दिल्ली टू बॉम्बे, शूटिंग ओवर देयर, फ्लाइंग बैक। आई कंटिन्यू शूटिंग। मेरा जन्मदिन था उस महीने, मैं कुछ नहीं करना चाहता था। बालाजी ने कहा वो एक पार्टी थ्रो करना चाहिए। हमने 1 बजे तक पार्टी की, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, केक काटा, जिसके फोटोज इंटरनेट पे मौजूद हैं। उसके बाद अगले दिन सुबह 7 बजे शूटिंग पे हम सब पहुंच गए थे। आप दिल्ली हाथ में जाके पूछ सकते हैं जहाँ पर हमने शूटिंग की। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ, आई एम वेरी वेरी फेयर टू ऑल ऑफ यूर, आई ऑलवेज टेक आउट टाइम फॉर ऑल ऑफ यूर, एंड आई नेवर एवर कंप्लेन अबाउट जब मेरी पर्सनल जिंदगी के बारे में कुछ लिखा जाता है। मुझे अनप्रोफेशनल बताना या पोर्ट्रे करना किसी का पर्सनल स्वार्थ है उसमें। Somebody is upset or jealous that they want to mislead people to ask questions like this or think of me like that. So I really request all of you not to give it importance. Today you've asked me, I don't want to shy away. But I want to use this opportunity to all of you to be responsible. It is important. It is shameful the way it is being written about and nobody reacts by asking me, sir, aisa ho nahi sakta. You're still asking me that what did you do, tell us. It's very, very sad. And you guys know what happens in our lives. You know my grandmother passed away. You know if I was not a professional, wo picture abhi tak khatam hota. Aapko lagta hai aisa? My father is known as one of the most serious, most amazing producers. You think as a producer's son, I would put the other producer in jeopardy and say, ye aur 1.5 lakh rupees ka bill. तो बहुत शर्म की बात है। आपकी फैमिली से एक इंसान ने मेरे पे वो आरोप लगाया है जो गलत है। तो मैं चाहूंगा यू शुड ऑल रेट्रोस्पेक्ट एंड इंट्रोस्पेक्ट अबाउट, एंड नेक्स्ट टाइम आई मीट यू आई होप देयर आर नो स्टोरीज लाइक दिस टू डिस्कस। आई एम सॉरी, नो, इट्स वेरी सॉरी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हो चुके हैं सैटरडे संडे को जो 2 एपिसोड आने वाले हैं मेरे फेवरेट, और मैं चाहूँगा कि आप लोग सब देखें। उसमें शबाना
और रोनित रॉय का कैमियो है और बहुत बहुत कमाल का काम किया रैनित एंड शबाना जी ने. I'm very very excited. Sir, so one question, last question. Yes. बस देखो आप सवाल रेस कर लेते हो जी. हाँ जी मैं वन सेकंड हाँ जी 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 चलिए आप सब सुनिए, ये सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा. वैसे आई डोंट लाइक टू रिएक्ट टू रिडिकुलस कॉन्वर्सेशन. जिस जगह पे ये स्टोरी आई है नॉर्मली कोई उसे सीरियसली नहीं लेता, बट मैं एक प्रोड्यूसर का बेटा हूँ. जब वो आउटडोर चल रहा था जून के महीने में, माई ग्रैंड मदर वो सीरियसली अनवेल. जैसे आप सब आए थे फोटो खींचने जब उनका देहांत हुआ, आप सब जानते हैं कि उनकी मृत्यु हो गई उस समय जब मैं आउटडोर शूट कर रहा था. अगर उस समय में 1,00,000 रुपए का बिल बना रहा था दारू पीते हुए, तो मुझ में कुछ कमी होगी जिस वजह से मुझे नौकरी नहीं मिलनी चाहिए इसके आगे, ये फिल्म के आगे बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए. आई वॉज ट्रैवलिंग बैक एंड फोर्थ एवरी डे फ्रॉम बॉम्बे टू मी, बट द शो आई फेल्ट आई वॉन्टेड टू कम विद हिम बिकॉज आई हैव अ मोर ऑफ अ फ्रेंड्स वाला इक्वेशन विद हिम एंड इट्स जेन्युइनली विद द केस. आप सब नहीं जानते हो, ये मुझे चाचू बुलाते, मैं इनको चाचू बुलाऊँ, उसके पहले वो मुझे चाचू बुलाते, तो हमने वो नोक झोंक सालों से चलती आ रही है. अलग रिलेशनशिप है, अलग मायने है मेरी जिंदगी में उस रिलेशनशिप के दोनों के, बट आई कैन नेवर कंपेयर. इट्स लाइक राइट आर्म बेटर है कि लेफ्ट आर्म बेटर है, दोनों जरूरी है. अनिल जी, पीवीटी सी में ना न्यू लुक, यू विल टेक अ सिक नाउ इन अ फिल्म? यस, फॉर द फर्स्ट टाइम. यस, एक यस, दिस दोबारा कम बैक. यस अर्जुन, हाउ वाज द शूट फॉर हाफ गर्लफ्रेंड? मतलब काफी दिनों बाद जी जी मैं साउथ अफ्रीका में था, केप टाउन में शूटिंग करा था. बहुत ही मजा आया, बहुत ही डिफिकल्ट आउटडोर था. हम विंटर में शूटिंग कर रहे थे साउथ अफ्रीका में, उसके बावजूद इट टर्न्ड आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ बिकॉज बहुत ही अच्छी जगह थी और हमारी टीम एकजुट होकर काम कर रही थी. सो आई थिंक वी आर 70% डन विद द फिल्म. काफ़ी हद तक फिल्म खत्म हो चुकी है. इनफैक्ट मैं अगले कुछ दिनों में लास्ट 20 दिन की शूटिंग करने न्यूयॉर्क जा रहा हूँ और फिर बॉम्बे में जो थोड़ा बहुत काम बचेगा, तो काम बहुत ही अच्छी तरह चल रहा है. आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू पुट द फिल्म आउट देयर. मैं वेट नहीं कर सकता मई आने का. अनफॉर्चुनेटली पिक्चर 6-8 महीने बाद लगेगी, बट इट्स बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस वर्किंग विद मोहित सत्ता एंड द एंटायर टीम. अर्जुन, बीच में पता नहीं न्यूज़पेपर्स में ऐसे आ रहा था कि अनबन चल रही है, आप लोगों के बीच, चलो अच्छा किन के भी साथ में देखिए. आप अखबार के सिर्फ हेडलाइन पढ़ते हो ना, आप कभी अंदर भी पढ़ा करो, वो मजाक था. ऐसे सिटी सवाल का क्या जवाब दूँ, मतलब ये मतलब क्या अनबन चल सकती है हमारे बीच में? आप मीडिया हो, आपको रिस्पॉन्सिबल सवाल पूछना चाहिए हमेशा. सो यू थिंक वी कैन हैव एनी मिसअंडरस्टैंडिंग? वी विल बी सिटिंग हियर ऑन द शो. यू आर द पीपल दैट स्प्रेड द करेक्ट मैसेज, सो प्लीज रीड द आर्टिकल. इट्स इन अ फिल्म. दे सेड इन द फिल्म वी हैव अ टिप. अनिल एंड अर्जुन एट वॉर फॉर मुबारक. तो अगर आप आर्टिकल पढ़ेंगे, जो लोगों को पता होना चाहिए कि आपने आर्टिकल नहीं पढ़ा इसीलिए कंफ्यूजन होगी. हमारा कोई टिप नहीं, लोगों का जो परसेप्शन करता है ना, तो वो ये नहीं, लोगों का परसेप्शन बिल्कुल ऐसा नहीं कि हमारे बीच में झगड़ा चल रहा है, वरना आज इधर नहीं होते सर. चलिए जब शो देखेंगे तो पता चलेगा. आई डोंट वांट टू रियली डिस्क्लोज, बट इट्स अ मजेदार शो, फन शो, इट्स अ फन शो. एंड यू विल नॉट सी अस लाइक चाचा भतीजा, यू विल सी अस लाइक फ्रेंड्स हैंगिंग एंड हैविंग कॉन्वर्सेशन एंड लॉट ऑफ फन. आपको कुछ चीजें पता लगेंगी, पर आप एपिसोड देखेंगे तो वो मजा आएगा देखने. जी सो ऑब्वियसली वी ऑल हर्ड ऑफ कीपिंग अप विद द कार्डशियंस. वी हैव हर्ड ऑफ कीपिंग अप विद द कपूर्स एंड दैट वुड हैव टू बी विद द दैट वुड हैव टू बी विद सोनम एंड रिया. इट इज अ बिगेस्ट. But with Sonam and Riya, or you will be? No, with all of us. With all of us. What she means is with all the Kapoor's. Yeah. I think you'll be up. I don't want to be part of that reality show. I'm very happy doing Khatro ke Khiladi if I have to do TV. That's it. RDGS No, phir bhi nahi. I don't want to put my life out there on internet. Are you sure? Okay. Yeah, I can say this to everyone. I want to do Khatro ke Khiladi. Anil sir, because the show's name is BFF, so Arjun, how many friendly are you? कितने सीक्रेट्स को आपसे शेयर करते हैं कि आप गर्लफ्रेंड हो, चाहे
पर्सनल लाइफ की कुछ बस आपको यही जानना है अर्जुन ने हर्ष के साथ भी सोना लिया सबके साथ एक किसी का एक मोहित है सबके साथ एक दोस्ती है मगर ऑब्वियसली देयर इज अ सर्टेन क्या बोलते हैं एक बाउंड्री है राइट बाउंड्री तो वो बाउंड्री जरूर है वेरी फ्रेंडली बट ऑल चिल्ड्रन व्हिच आई कैन वेरी प्राउडली से ऑल ऑफ देम वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल ऑफ ऑल ऑफ देम जी मतलब ये यार अब तुम लोग हद कर रहे हो यार अब मतलब मैं आपसे ये सवाल पूछूं तो क्या क्या जवाब दोगे आपने मोर ऑर लेस आई एम वेरी क्लोज टू माय फादर एंड दैट इज रिमेन फॉर मेनी मेनी इयर्स आई एम वेरी वेरी क्लोज टू हिम फॉर मी दैट रिलेशनशिप्स आर डिफरेंट अलग तरीके ही इज माय फादर एंड आई हैव अ फादर सन इक्वेशन विद हिम जैसे मैंने कहा व्हेन दे आस्क आवाज़ हम आपका स्वागत कर रहे हैं हम तो यहाँ से कब से दोपहर से हम लोग आपका स्वागत है आप सबका स्वागत है पूछिए बताइए जगह क्या है और क्यों शामिल हुए आप जगह जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही आलीशान मकान है जो अनिल जाजो में खरीदना चाहते हैं लेकिन इस वक्त नहीं ले पा रहे नहीं ये सेट है एक नए शो का जो शुरू होने वाला है कुछ ही दिनों में कलर्स इन्फिनिटी जो एक चैनल है कलर्स की कंटिन्यूएशन में शो का नाम है वोक बीएफएफ्स हिंदी में बोला जाए तो बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर तो आई कुडंट थिंक ऑफ अ बेटर पर्सन टू कम ऑन द शो बिकॉज ही हैज़ ऑलवेज बीन अ फ्रेंड टू मी इवन दो ही इज़ माई अंकल पर हमारा रिश्ता चाचा भतीजा थोड़ा आगे रहा है थोड़ा अलग रहा थोड़ा फ्रेंड ही रहे एंड ही इज यंगर देन मी तो फ्रेंड ही हो सकते इसीलिए हम आए हैं अनिल जी आप करस के साथ और बाइकॉम के साथ आप काफी जुड़ गए हैं 24 के बाद अब लगातार आप 24 सॉरी उनकी मतलब प्रॉपर्टी जैसे हो गए हैं आप लगता है अरे ये तो खुशी की बात है इट्स लाइक अ मोर लाइक अ फैमिली एंड जब मुझे पता चला कि ये शो कर रहे हैं तो उसका कॉन्सेप्ट अच्छा लगा और ये वोक के साथ सो इट्स अ ग्रेट कलर्स इन्फिनिटी और वोक और